उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में त्योहारों व दिल्ली में आतंकवादी इनपुट के बाद हापुड़ पुलिस भी सक्रिय हो गई और पूरे जनपद में सभी होटल, रेस्टोरेंट व रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सघन टेकिंग अभियान चलाया गया। एक साथ इतनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को देख शहरवासी आपस में किसी अनहोनी बात को लेकर आपस में बातें करने लगे। जब उन्हें रूटीन चेकिंग की बात बताई गई तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हापुड़ DSP व सिटी कोतवाली पुलिस व डॉग स्क्वाड को साथ लेकर रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंड पर पहुंचकर लोगों के सामानों को चेक किया और वहां पर मौजूद स्टाफ से यह भी कहा गया किसी भी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति या चीज दिखाई दे तो अपने संबंधित थाने को सूचना दे जिससे किसी अनहोनी से बचा जा सके, और लोगों को विश्वास दिलाया कि हापुड़ पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा में तैनात है। जिसके बाद फोर्स शहर के सभी होटलों में गए और सभी कमरों की जांच की गई और यहां देखा गया कोई संदिग्ध व्यक्ति यहां रुका हुआ तो नहीं है, तो वही हापुड़ पुलिस ने भी इस चेकिंग के बाद राहत की सांस ली है। को चेक किया जा रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार। उसी क्रम में हम लोग अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ और कोतवाली टीम के साथ सिटी में सभी होटलों को चेक कर रहे हैं, कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति यदि रुका है तो उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। यदि संदिग्ध लगेगा तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी संदेश दिया जा रहा है कि पूरे त्योहारों में जो भी होटल हैं, ढाबा हैं, सराय हैं, धर्मशाला है, रुकने के स्थान हैं, उनको जो उनके मालिक हैं, जो उनके कर्मचारीगण हैं, उन्हें बताया भी जा रहा है कि किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध आदमी आपके होटल में, धर्मशाला में, सराय में या ढाबे पे अगर दिखता है तो तत्काल हमारे संबंधित थाना को सूचना दें, अधिकारियों को सूचना दें और 100 नंबर इमरजेंसी कॉल पर भी सूचना दें। सर, दिल्ली में भी संदिग्ध लोगों की अलर्ट है? हम चेकिंग करते हैं तो हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जो दिल्ली में अलर्ट है उसको भी लेकर के हम लोग अगर चेकिंग कर रहे हैं तो उसे भी ध्यान में रखते हुए चेकिंग कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।